औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और हम यूनिट नंबर 8 इसका पढ़ने जा रहे हैं। और इस यूनिट का नाम है कंटेम्पररी फिलॉसफी एंड करिकुलम डेवलपमेंट। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान हूँ और हमारा कोर्स कोड है 8609 और ये बीएड का कोर्स है और ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फाउंडेशंस आर द बेसिस ऑफ फॉर करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। फिलोसफिकल फाउंडेशन प्रोवाइड्स टीचिंग्स एजुकेटर्स एंड करिकुलम मेकर मे मार्क्स फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएटिंग करिकुलम इन स्कूल्स। करिकुलम इज़ यूज फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फिलोसफी हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू वेज एंड बेसिस फॉर टीचर्स एंड करिकुलम प्लानिंग टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर। फिलोसफी ऑल्सो हेल्प इन द एक्सप्लोरिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड हेल्प एंड हाउ टू अप्लाई इन द क्लासरूम सिचुएशन फॉर बेटर एक्टिविटी अचीवमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। द कंटेम्पररी फिलोसफर्स ले स्ट्रेस ऑन स्कूल टू प्ले अ सर्टन रोल इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मच फंक्शन एज अ ब्राइट बेटर टीचर्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड बिजनेस कम्युनिटी एंड पॉलिटिशंस। केयर फॉर करिकुलम प्लानर मस्ट इंट्रोड्यूस सच करिकुलम इन एजुकेशन सिस्टम विच इनक्लेट ट्रू नॉलेज एंड परसीव द कल्चर ऑफ सोसाइटी इन न्यू जनरेशन। स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के वो क्या हैं, इस यूनिट के वो क्या हैं। एक्सप्लेन रोल ऑफ कंटेम्पररी फिलोसफी इन एजुकेशन। फिर है आइडेंटिफाई द सूटेबल फिलोसफी फॉर अ पर्टिकुलर करिकुलम। फिर है कंपेयर डिफरेंट फिलोसफीज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। फिर है डिवेलप देयर ओन फिलोसफी फॉर पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स। आगे है जी, सबसे पहले अब यूनिट शुरू हो गया। सबसे पहले देखते हैं प्री 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 इनेटिमेलिज्म। ये क्या होता है? प्री नेटल मीन एवर लास्टिंग। इसका मतलब होता है लाइक आ पी रेंटल फ्लावर दैट कम्स अप ईयर आफ्टर ईयर। द एजुकेशनल फिलोसफर ऑफ पेरमेंटलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम बोथ द आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। फ्रॉम आइडियलिज्म कम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज द ट्रूथ इज यूनिवर्सल एंड अनचेंज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम प्लेस एंड ही इमीजिएट फिजिकल रियलिटी दैट सराउंडेड अस। अकॉर्डिंग टू पिरामिडिज्म पिरामिडलिस्ट्स व्हेन स्टूडेंट्स आर इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ दोज प्रोफाउंड एंड इंड्योरिंग आइडियाज दे विल अप्रिशिएट लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक एंड बिकम ट्रू इंटेलेक्चुअल। फॉर पिरामिडलिज्म That aim of education is to ensure that students acquire understanding about the great idea of Western civilization. Humans are rational beings and their minds need to be developed. Thus, creation of the intellection is the highest practice priority in the worthwhile education. आगे मैं पास एक प्री इनेलिस्ट करिकुलम। ये क्या है? द फोकस इन द करिकुलम इज क्लासिकल सब्जेक्ट्स लिटरली एनालाइज एंड कंसिडर
curriculum as constant. The development curriculum focuses on attending cultural illiteracy, stressing students' growth in enduring disciplines. Again, the Luft test. Accomplishment of humankind are emphasized. The great work of literature and art. The law of principle of science. Parentalism mainly that the purpose of school is to prepare children to accept their plan in a society built up a long and tested training tradition. Parentalism contends that schools should not agree either the fleeting narrow interest of students or the immediate need of society. Again, these concerns are left to other social institutions. क्या है जी रोल ऑफ टीचर. ये क्या है द रोल ऑफ टीचर हु हैज़ बीन ट्रेन इन द सेम टाइप ऑफ एकेडमिक करिकुलम इज दैट ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी फिगर. पेरेंटलिज्म होल्ड दैट कोर्सेज इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स आर फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ द टीचर एजुकेशन दैन द कोर्स इन हाउ टू टीच. Teachers should be role model of educate people. Pragmatism has its roots in the Greek classical. Pragmatism recommend that students learn from reading and analyzing the work by history's finest thinkers and writers. Pragmatist classroom are also centered on teachers in order to accomplish their goals. They emphasize the study should not be taught information that may soon be outdated or found to be incorrect. Pragmatism disapproved of teachers requiring students to absorb massive amount of disconnected information. They recommended that schools spend more than teaching about concept and exploring to make these concept meaningful for students. Again, pragmatism kya kehta hai? Ye hai the pragmatic education philosophy was established in America from the mid 1920s through the mid 1950s. The philosophical base of the pragmatic is pragmatism. John Dewey was its foremost pronoun being to channel his interest towards education, challenging the long-standing grip of pragmatism on American education. The pragmatist proposed that the purpose of education is to prepare children to live in society, but the science society is in contact is constant state of change. Schools should prepare students to confront the changing world. Does progressivism reject classroom practice that involve children passively learning information prone into paternalism teachers or from books? In short, pragmatism educators seek cooperation and problem solving as the key to human adoption is a every changing world, ever changing world. Effective teaching provide experience so that students can learn by doing. Progressivism curriculum. The constant of progressivism curriculum is derived from the student interest in question. The scientific method is used by progressivist educators so that the students can study matter and event systematically and firsthand. The emphasis is on process, how one can why one come to know. Progressivist curriculum involves the application of human problem and affairs.
Indisciplinary subject matter is used. Activists and projects are also important part of progressivist curriculum. आगे रोल ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर इज अ गाइड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साइंटिफिक इंक्वायरी. प्रोग्रेसिविस्ट मेंटेन दैट द रोल ऑफ द टीचर इज अ फैकल्टर हु हेल्प फैसिलिटेटर हु हेल्प चिल्ड्रन टू एग्जामिन देयर एक्सपीरियंस एज दे इंटरेस्टेड विद द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड एंड टू सॉर्ट आउट फॉर देमसेल्व सेटिस्फेक्शन. रोल इन सोसाइटी, टीचर्स आर नॉट कंसिडर अथॉरिटी फिगर, हैंडल डाउन नॉलेज एंड रिस्पेक्ट बाय विच द चिल्ड्रन शुड लिव. रादर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे प्रिपेयर अ वाइड प्रिपरेटर ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज टू स्टिमुलेट एंड सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट. फिर दे नीड टू गिव स्टूडेंट्स एज मच कॉन्टैक्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन एज दे पॉसिबल कैन, सो स्टूडेंट्स कैन टेस्ट देयर आइडियाज एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. आगे मेरे पास स्टूडेंट जो नया शुरू हो रहा है, फॉर एस्टेंटलिज्म, ये क्या है जी? बिगनिंग इन द 1930s द इमर्जिंग विद इंक्रीज स्ट्रेंथ इन द 1950s एंड 1980s, एस्टेंटलिज्म हैज क्रिटिसाइज प्रोग्रेसिविजम्स फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न रादर देन ऑन वट चिल्ड्रन लर्न. एस्टेटलिज्म बिगिन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डाउन डाउनफॉल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल. एस्टेटलिज्म व्यू द स्कूल शुड कंजर्व इम्पॉर्टेंट सोशल ट्रेडिशन एंड द करिकुलम शुड बी टीचर एंड सब्जेक्ट कंसर्न. बट देयर इज अ मोर एम्फसाइज इन एस्टेटलिज्म और एजुकेशनल रेलिवेंस इन प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू लिव इन द करंट सोसाइटी एंड लेस एन एब्सोल्यूटिज्म एंड इंडियोरिंग इज्म इशूज. इन आगे क्या है, एस्टेटलिज्म बिलीव दैट देयर इज अ कॉमन कोर ऑफ नॉलेज दैट नीड्स टू बी टर्मिनेटेड टू स्टूडेंट्स इन अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे. एम्फसाइज इन द कन्वेंशनल प्रिपरेशन इज ऑन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट स्कूल शुड टीच. ठीक है जी, एट एस्टेटलिज्म इज बेस्ड ऑफ द साइकोलॉजी फिलोसफी ऑफ एरिज्म एंड रियलिज्म. एस्टेटलिज्म रेफर्स टू द ट्रेडिशनल ऑफ बैक टू द बेसिस अप्रोच टू एजुकेशन. फिर इट कॉन्टेक्ट दैट स्कूल शुड नॉट ट्राई टू रेडिकली रीशेप सोसाइटी. फिर essentially believe that teachers should install much such traditional American values as reserve as respect for authority, preservance, fidelity to duty, consideration for the other and parties practicality. अगेन पास है essentialist curriculum. इसका क्या होता है, कोर ऑफ द करिकुलम इज एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स एंड एकेडमिक रिजोर. ऑल दो देयर एजुकेशनल फिलोसफी इज स्मॉलर सिमिलर इन सम वेज टू पैरानालिज्म एस्टेटलिज्म इज एंड आइडल दैट द कोर करिकुलम में चेंज. एस्टेटलिज्म बिलीव दैट वी मस्ट नो द एसेंशियल ऑफ लाइफ सर्वाइवल हाउ टू बी productive and how to live as proper civilians. Again, as we keep order, there should be more advanced subjects addressed to the curriculum being taught. Phir hai, it is also known that only the basic subject need to be taught. These should not be impartial subjects address to the curriculum. Moral and character should be an important factor to the curriculum as well. आगे है जी हमारे पास role of teacher. A teacher is authority in his or her field. Explicit
टीचिंग ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज आर द मेन फोकस ऑफ द टीचिंग. फिर है एसेंटलिज्म अर्ज दैट द मोस्ट एसेंशियल और बेसिक एकेडमिक स्किल्स एंड नॉलेज बी टॉट टू ऑल स्टूडेंट्स. ट्रेडिशनल डिसिप्लिन सच एज मैथ, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री, फॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द एसेंटलिज्म करिकुलम. फिर मोर ओवर एसेंटलिज्म मेंटेन दैट क्लासरूम शुड बी ओरिएंटेड अराउंड टीचर हु आइडियली सर्व एज अ इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स. आगे हमारे पास है जी डिकोस्टेरिशनिज्म. अब ये क्या होता है जी स्टूडेंट्स, ये न्यू चीज़ है, इसको पढ़ने डैट वर्ड कैन ओनली रेफर डैट अदर वर्ड द अटेम्प्ट्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ स्टेटमेंट शुड एनी अबाउट एनी टेक्स्ट वी कैन देयर ओन मीनिंग. फिर टेरेटरेस थिंग्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिनोमिनोलॉजिस्ट एडमस्ट ह्यूब्स एंड मेरटन हिडीगर. Although the early word of Derridaista was mainly an elaborate critique of the limitation of phenomenology, he also claimed that Frederick was a foreigner of deconstruction in the form and substance. The basic assumption of deconstruction can therefore be said to be followed. The language is inherently marked by instability and indentally means. This gave the suitability and indominity. No method of analyzing can have an special claim to authority as regarding textual interpretation. The interpretation is therefore a free ranging activity, more akin to make planning them in analysis. आगे हमारे पास है डिक्टेटरियलिज्म. इसका करिकुलम क्या है? डिक्टेटरियलिस्ट्स इन करिकुलम थ्योरी एम टू क्रिएट न्यू स्पेस फॉर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू फिनोमिनोलॉजी और पोस्ट स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन. डिक्टेटरियलिज्म इन्वॉल्व डिमिस्टिफाइंग अ टेक्स्ट टू रिवील इंटरनल एब्रिटरी हायरार्कीज एंड प्रीसपोजिशंस. डेमोक्रिटिज्म इन इज अबाउट the deconstruction of tangible artifacts or about the public deconstruction of a concept. Democologist text can in the terms especially by the deconstruction highlighting the finite regarding constant different and indifferency of meaning. आगे क्या जी रूल ऑफ टीचिंग. द टीचर इंगेज द स्टूडेंट्स इन डिस्कशन द मेन कम्युनिकेटिव पर्पज एंड द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स एंड हाउ द राइटर ऑर्गेनाइज दीज आइडियाज सिस्टमेटिकली थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन ऑर्डर टू achieve the main communicative purpose. The focus is on guiding students to note the global generalist structure of the text and to see how the academic content that is filled uniformed through the different stages of gender. When the teacher reads the text with the students, the teacher does the deconstruction of or analyze of the text
together with the students by drawing the students' attention to these global judge stages of the text. आगे मेरे पास है प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? द वर्ड प्रैग्मेटिज्म हैज ग्रीक रूट प्रैग्मा यानी कि मोटूस एंड डीड्स यानी कि और फॉर्म प्रासियन का मतलब है टू डू. इसका फिर आया प्रैग्मेटिज्म मीन्स एक्शन फ्रॉम विच द वर्ड प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिक्स हैव कम. फिर इन लेट 19th सेंचुरी अमेरिकन फिलोसफी द फोकस इज ऑन द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस अनलाइक द रियलिस्ट रियलिस्ट्स. प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंज एंड दैट वी लर्न बेस्ट थ्रू अप्लाइंग आवर experience the entire thought to problem as they arise. For pragmatists teaching method focus on hands on problem solving experimenting and projects often having students work in group. Curriculum should bring the discipline together to focus on solving problems in an interdisciplinary way. Pragmatism is best based on the psychology of individual differences. Pragmatism want to educate according to aptitude and ability of the individual. Aage ke according to pragmatism, the theory and practice of education is based on the two मेन प्रिंसिपल्स. क्या है? नंबर वन, एजुकेशन शुड हैव अ सोशल फंक्शन. एंड क्या है? एजुकेशन शुड प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रन. फिर आगे क्या है? द प्रैग्मेटिज्म एजुकेटर एम्स एट द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेंट फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोशल एंड एस्थेटिक. द एम ऑफ एजुकेशन देयरफॉर इज टू डायरेक्ट द इम्पल्स interest, desire and ability towards the satisfaction of the felt want of the child in the environment. Again, education must foster competence in the children that they may be able to tackle the problem of future life. Again, हमारे पास है जी pragmatism and curriculum. ये क्या है? द एम ऑफ द एजुकेशन आर रिफ्लेक्टेड इन द करिकुलम. द प्रैग्मेटिक एम्स कैन ओनली बी रिफ्लेक्टेड इन अ प्रैग्मेटिक करिकुलम. द प्रैग्मेटिक करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन बेसिक प्रिंसिपल. दीज आर अल्टीमेट यूटिलिटी इंटरेस्ट एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस. आगे के प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज द वॉच वर्ड ऑफ प्रैग्मेटिज्म. द प्रैग्मेटिस्ट्स एडवोकेट दैट द पब्लिक शुड नॉट बी टॉट डीड फैक्ट एंड थियरी बिकम दीज मे नॉट हेल्प देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. द सब्जेक्ट विच हेल्प टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ शुड बी इन्वॉल्व इन द should be included in the school curriculum practically at the elementary stage. Phir the project involve participation in social relationship, divide or division of labor and willing acceptance of responsibility to the community, and they afford valuable preparation for playing a worth part in a कम्प्लीट इन अ कम्प्लेक्स सोसाइटी. आगे क्या है जी? रोल ऑफ टीचिंग. ये क्या है? इन प्रैग्मेटिज्म द टीचर इज नॉट आइदर द टू, ही स्टैंड मिडवे. अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म अ टीचर इज यूजफुल इवन दो नॉट इनडिसिप्लिनेबल. द पोजिशन ऑफ द टीचर इज ऑफ अ गाइड एंड एडवांस. ही इज द हेल्पर एंड प्रोमेंटर. ही शुड टीच his pupil to think and act for themselves, to do rather than a
known to originate rather than to reply. But this process gave him a discipline which is acquired in every kind of real creative work as a very natural consequence on the activity itself. The school is the prepares perspectives of the greater community. It is society in miniature. Therefore, the school has to provide for all these activities which constitute the normal life of the community. It has to provide for the specialized free and perspective activities. These activities provide the pupils a very useful training in citizenship. अगेन पास एक्सिस्टेंटलिज्म, ये क्या है? एक्सिस्टेंटलिज्म इन द ब्रॉडर सेंस इन द 20th सेंचुरी फिलोसफी डेट इन सेंटर्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ एक्सटेंशन एक्सिस्टेंस एंड ऑफ द वे ह्यूमन फॉर देमसेल्व्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. द नोटेशन इज द ह्यूमन एग्जिस्टेंस फर्स्ट एंड देन ईच इंडिविजुअल स्पेंड अ लाइफ चेंजिंग देयर एसेंस ऑफ नेचर और नेचर. The philosophy based on the existentialism, idealism and realism is the nature of the reality of existentialist is subjective and lies within the individual. The physical world has no inherent meaning outside the human existence. Individual choose the individual standing rather than external standards are central. Our existence is not guaranteed in an afterlife, so there is a tension in afterlife and the centering of that period of hope or despair. Again, passage, existentialism takes into a considering under the underlying concept, like human free will. Free will फिर है. ह्यूमन नेचर इज चूजन थ्रू लाइफ चॉइस. फिर है अ पर्सन इज बेस्ट व्हेन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देयर इंडिविजुअल नेचर. फिर है फाइटिंग फॉर लाइफ. फिर है डिसीजंस आर नॉट विदाउट स्ट्रेस एंड कंसिक्वेंस. फिर है देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट रिलेशनल. फिर है personal responsibility and discipline is crucial. Society is unnatural and is traditional, regional, religious and secular rules are abductory. फिर worldly desire is faulty. आगे क्या है? Existentialism is broadly defined in the variety of the concept and there can be no one answer. इसके क्या as to what it is, yet it does not support at end any of the following. फिर number one के wealth, pleasure or honor make the good life. फिर social value and structure control the individual. फिर क्या accept the what is the that is encourage in life. फिर so science cannot be well make everything better. फिर people are basically good but ruined by social or external forces. फिर in it want may now or it is now may fault mentally. आगे है जी related to education. The subject matter existentialist classroom should be matter of physical matter of personal choice. फिर है जी teachers view the individual as an entity within the social context in which the learner must confront other view to clarify his or her own
Character development emphasizes individual responsibility for decision. Real answers come from within the individual, not from outside authority. Period. Essentialists in education focus on numerical discipline of learning and education. These include reader art, literature, writer, foreign language, mathematics, history, science, and also music. Piraji Kinnarelagar believed that education should be subjective and religious. Piraji Vaidyanathan Buddha considered that these should be shared, the knowledge used for the good of man, but will only happy in the subject to subject relation, where individuals should not be treated as objects. आगे जी रोल ऑफ टीचिंग एंड एक्सटेंटलिस्ट क्लासरूम टिपिकली इन्वॉल्व द टीचर्स एंड स्कूल लेइंग आउट व्हेन दे फील इज ए इम्पॉर्टेंट एंड अलाउज द स्टूडेंट्स टू चूज व्हाट दे स्टडी. आगे ऑल स्टूडेंट्स वर्क ऑन डिफरेंट सेल्फ सेलेक्टेड असाइनमेंट एट देयर ओन पेस. पीरियड टीचर्स एक्ट एज फैकल्टीज डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग टू मोस्ट ऑफ द अप्रिप्रिएट मेथड ऑफ सम स्टडी और मटीरियल्स. उसके अंदर टीचर्स एक्ट एंड आर ऑफन सीम एज एन एडिशनल रिसोर्स अलॉन्ग साइड बुक्स, कंप्यूटर, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एंड अदर मटीरियल्स दैट आर रेडली इन अवेलेबल टू स्टूडेंट्स. आगे के द टीचर्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर इंडिपेंडेंट एक्शंस एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू मेक चॉइस एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिहेवियर. आगे के बाय फोकसिंग ऑन द स्टडी क्रिएटिंग फिलोसफी स्कूल्स सिस्टम्स एंड एजुकेटर्स विल बी एबल टू मेक नेसेसरी चेंज टू क्रिएट इफेक्टिव एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इन्वायरमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स. आगे के की पॉइंट्स, नंबर वन के एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ पैरमेंटिज्म इज ड्राइव फ्रॉम बोथ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म. पीरियड द फोकस ऑफ प्रेगमेंटिज्म इज टू टीच आइडियल आइडियाज दैट आर एवर लास्टिंग. प्रेगमेंटलिस्ट करिकुलम इज यूनिवर्सल एंड इज बेस्ड ऑन डियर व्यू दैट ऑल ह्यूमन बींग्स पोजेस द सेम एसेंशियल नेचर. पे नंबर फोर पे द फोकस ऑफ प्रेगमेंटलिस्ट करिकुलम इज ऑन क्लासिकल सब्जेक्ट लिटरेसी एनालाइज एंड कंसिडरिंग करिकुलम एज कंस्टेंट. फिर जो फिलोसफिकल बेस ऑफ प्रेगमेंटलिज्म इज प्रेगमेटिज्म. फिर है जी प्रोग्रेविटिज्म प्रोपोटेड दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू लिव इन ए सोसाइटी, बट दैट सिंस सोसाइटी इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ चेंज द कंटेंट ऑफ प्रेगमेंटिविस्ट करिकुलम इज ड्राइव फ्रॉम द स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड क्वेश्चन. आगे है जी एसेंशियलिज्म इज अ की ऑफ नॉन प्रेगमेंटलिज्म विद रूट्स इन बोथ द आइडियलिज्म एंड रियलिज्म. फिर है जी एसेंशियलिज्म फोकसेस मोर ऑन द यूटिलिटी रियलिज्म वैल्यू ऑफ दीज ग्रेट वर्कर्स दैट हेल्प इंडिविजुअल्स ए डिवेलपिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड एक्वायर्स नॉलेज. फिर जी एसेंशियलिज्म स्किल्स 3 RSA एंड एसेंशियल सब्जेक्ट्स इंग्लिश अरेथमेटिक साइंस हिस्ट्री एंड फॉरन लैंग्वेज आर पार्ट्स ऑफ एसेंशियलिज्म्स करिकुलम. आगे जी की पॉइंट्स में टर्म डीकंस्ट्रक्टिविज्म has been used by the other to describe Deveria's practical method of textual curriculum. Phiraji, deconcentralism emphasized that words can only refer to the other words
and attempt to demonstrate how statement about any term weaken their own meaning. फिर है decentralism in curriculum they aim to create new space for meaning and understanding through philosophical or past structural investigation. Again, pragmatism means action from which the word practice and practice have come. आगे क्या है, the only aim of education according to pragmatism is to enable the children to create value in his life. फिर है pragmatic method is project method. इसके बाद क्या है, the philosophical basis of existentialism is idealism and realism. फिर है जी the nature of realist reality of existentialism is subjective and lies within the individual. फिर है जी the subject matter of existentialist classroom should be matter of personal choice. फिर है जी existentialism curriculum constant is focused on individual and relationships. तो फी अमान स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है. तो अल्लाह हाफिज़, गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स.